सो मैं 5 BHK विला का बहुत दिन से वॉकथ्रू करना चाहता था, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पा रही थी बिकॉज 5 BHK विला का कोई सैंपल ही नहीं था। सो एक्चुअल विला का मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिला, इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। मुझे एक क्लाइंट मिले हैं जिनका यहाँ पे 5 BHK का एक्चुअल विला है, जिसका मैं आपके सामने वॉक थ्रू लेके आया हूँ। मैं जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट का नाम है वारी वन, जो कि हेवन है अर्थ पर, बिकॉज यहाँ से आपको स्वर्ग दिखेगा, आपको ऐसा लगेगा आपका घर स्वर्ग में है। दिस इज द एक्चुअल रिवर स्ट्रीम जो यहाँ पे जा रही है। वाओ, दीज आर ऑल नेचुरली मेड यार, कितना ब्यूटीफुल है। रियली आज मैं सबसे अच्छे दिन पे आया हूँ। एंड जस्ट लुक एट दिस हिल्स, दीज आर ऑल सह्याद्री हिल्स। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज ह्यूज, एंड दिस इज स्पेसिफिकली मेड फॉर किंग्स एंड क्वीन। और अभी सबसे खास चीज़ मैं आपको बता दूँ, वाह, ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगी है ये 4 BHK इंडिपेंडेंट विला की। हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल मावड़े एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे मेरे बहुत से क्लाइंट्स और मेरे व्यूवर्स की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि मैं आपके सामने वारी वन के 5 BHK के विला का वॉक थ्रू लेके आऊं, और 5 BHK के एक्चुअल सैंपल यहां पे नहीं है, बट स्टिल मुझे एक क्लाइंट मिले हैं जिनका यहां पे 5 BHK का एक्चुअल विला है, जिसका मैं आपके सामने वॉक थ्रू लेके आया हूँ। ऑल थैंक्स टू हिम एंड द वारी वन टीम जिन्होंने मुझे इसके लिए हेल्प की है। सो स्पेसिफिकली मैं बता दूं, जो भी 5 BHK का विला देख रहे हैं, देयर आर लिमिटेड इन्वेंट्री इन 5 BHK इन वारी वन, तो आपके लिए माइट बी ये लास्ट चांस हो सकता है 5 BHK की यूनिट ग्रैप करने का। सो स्टे ट्यून्ड। और साथ ही में अगर आपको 5 BHK विला या फिर कोई भी विला वारी वन में लेना है या फिर पुणे में कहीं पर भी प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो, तो आप हमें दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकेस अगर हमारा नंबर बिजी आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कीजिए। और उसी के साथ अगर आप UAE में रहते हैं तो आप हमें बोट टीम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो एक्टिव ऑन बोट टीम एज वेल, मेरी टीम आपसे टच बेस कर लेगी। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का ब्यूटीफुल 5 BHK का विला, जो कि बना है मैसिव 3500 स्क्वायर फीट के प्लॉट साइज में, और साथ ही में उसका कार्पेट रहेगा 3100 स्क्वायर फीट का। और उसी के साथ मैंने ऑलरेडी 4 BHK विला का वॉक थ्रू अपलोड किया है, और उसमें ही आपको इस प्रोजेक्ट की सभी डिटेल्स मिल जाएगी, साथ ही में यहाँ के ड्रोन शॉट्स, और साथ ही में इस प्रोजेक्ट का करंट प्रोग्रेस भी उसमें अपलोड कर दिया गया है, जो कि आप उसमें देख सकते हो। और उसके लिए आपको सिर्फ आई बटन पर क्लिक करना है और आपको सभी डिटेल्स उसमें देखने को मिल जाएगी। अभी हम आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का 5 BHK का मैसिव ब्यूटीफुल विला। इस प्रोजेक्ट के सभी कॉन्फ़िगरेशन, कार्पेट, नंबर ऑफ पार्किंग एंड कॉस्टिंग आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये है आपका 5 BHK का एक्चुअल विला। दिस इज एन एक्चुअल, दिस इज नॉट सैंपल, आपको एक्चुअल विला दिखा रहा हूँ यहाँ पे। एंड दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट विला इन वारी वन। आप इसे बाप ऑफ ऑल द विलाज भी कह सकते हो, सॉरी डोंट माइंड माई लैंग्वेज, लेकिन मैं इसको देख के बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ, इसलिए मैंने ऐसा कहा है। सो प्लीज लेट मी शो यू दिस ब्यूटिफुल विला। दिस इज क्वाइट मैसिव, 3500 स्क्वायर फीट का ये प्लॉट साइज है, 3100 स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पे कार्पेट मिलने वाला है। दिस इज योर पार्किंग स्पेस, 3 SUV आप कंफर्टेबली यहाँ पे पार्क कर सकते हो। जस्ट नेक्स्ट टू इट दिस इज योर गार्डन स्पेस, आपको ये गार्डन स्पेस छोटी लगी है, सो स्टे ट्यून्ड, लेट मी शो यू द बैकयार्ड। आपको कंप्लीटली सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा कितना बड़ा बैकयार्ड यहाँ पे इन्होंने दिया है। सो दिस इज योर फ्रंट स्पेस, यहाँ पे आपका ये गार्डन स्पेस है, उसी के बाजू में दिस इज योर एंट्रेंस एंड दिस इज अगेन योर एडिशनल गार्डन स्पेस जो कि बाजू में। साथ ही में मैं बता दूं, यहाँ से आपको नेचुरल रिवर स्ट्रीम है, यहाँ से रिवर पास हो रही है, जो कि मैं आपको टॉप फ्लोर जब टेरेस पे जाऊंगा तब आपको दिखाने वाला हूँ। और साथ ही में आप यहाँ से सह्याद्री हिल्स देख सकते हो, जहाँ से ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स फ्लो हो रहे हैं, और वही यहाँ पे आपको कंप्लीट रिवर में मिक्स हो रहे हैं। एंड यू विल बी गेटिंग प्रॉपर फ्लोइंग रिवर फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल विला। किसी भी तरफ से आपको इस 5 BHK विला को कॉमन वॉल शेयरिंग नहीं है, दिस इज एन इंडिपेंडेंट विला फॉर द इंडिपेंडेंट पीपल।
सो लेट मी टेल यू, दिस इज द पार्किंग स्पेस, गार्डन स्पेस, योर एडिशनल यहाँ पे गार्डनिंग स्पेस, दिस इज योर कम्प्लीटली फ्रंट स्पेस आपको मिल रही है एंड दिस विल बी द रोड. अभी कंस्ट्रक्शन चालू है इसलिए आपको थोड़ा सा रोड सही नहीं लगेगा, बट वंस इट इज डन आपको यहाँ पे कम्प्लीट ये आपको बिटुमेन का रोड यहाँ पे मिल जाएगा, ब्यूटिफुल स्पेस. और उसी के साथ यहाँ से हम करेंगे एंटर. उससे पहले मैं बता दूँ, दिस इज द प्लेस फॉर योर नेम प्लेट, आपका विला नंबर और आपका नाम यहाँ पे आने वाला है एंड यहाँ से आप एंटर करोगे विला के अंदर. जैसे आप यहाँ पे पहुँचते हो, दिस इज योर वीडियो डोर फोन, आपको येल का यहाँ पे वीडियो डोर फोन मिलेगा. उसी के साथ आपको ये येल का डिजिटल डोर लॉक मिलेगा जिसे आप की से एक्सेस कर सकते हो, पास की से एक्सेस कर सकते हो और साथ ही में कार्ड से भी एक्सेस कर सकते हो. तो चलिए चलते हैं ये मैसिव विला के अंदर, प्लीज कम. वाओ, जस्ट लुक एट दिस ब्यूटिफुल स्पेशियस लिविंग स्पेस एंड लेट मी टेल यू, दिस इज द बाप ऑफ ऑल द विलास. आपको यहाँ पे मिलती है ये लिविंग स्पेस में डबल हाइटेड, ये कंप्लीट लिविंग एरिया आपको मिल रहा है. ऑलमोस्ट 20 फीट का आपका ये डबल हाइटेड लिविंग एरिया है और बहुत ही खूबसूरती से इसे डिजाइन कर सकते हो. अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप कंप्लीटली आपके सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो. दिस विल बी योर टेलीविजन स्पेस. साथ ही मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल रहा है. यहाँ पे आपका ये विंडोज का स्पेस है, दीज आर दी स्लाइडिंग विंडोज. लेट मी ओपन दिस. वाओ, व्हाट अ वेंटिलेशन. अभी बारिश भी है, बहुत अच्छा मौसम है. दिस इज द परफेक्ट वेदर फॉर वारीवन, ट्रस्ट मी गाइज. एंड दिस इज द डबल हाइटेड कंप्लीट फ्लोर टू सीलिंग, आपको ऑलमोस्ट 20 फीट मिल रहा है लिविंग में. उसी के साथ दिस इज योर सिटिंग स्पेस. ये थोड़ा सा आपका डेकोरेटिव स्पेस है, यहाँ पे आप इंटीरियर डेकोर, बहुत सा इंटीरियर डिजाइन आप यहाँ पे कर सकते हो. जैसा चाहे वैसा आप इसे भी डिजाइन कर सकते हो. एंड आपका जो वीडियो डोर फोन है उसका आउटपुट आपको यहाँ पे रहेगा. एंड बाय द वे, दिस इज अ लिफ्ट स्पेस. अगर आप चाहो तो इसे एज अ लिफ्ट स्पेस यूज कर सकते हो और आप इसे सिंपली एक पूजा स्पेस की तरह भी यूज कर सकते हो. बहुत अच्छा स्पेस है और अगर चाहिए तो आप यहाँ पे स्टोर रूम भी बना सकते हो, बिकॉज पूजा एरिया के लिए भी अलग स्पेस यहाँ पे दिया है. एक्चुअली मैं नहीं क्या, ये लिविंग रूम से बाहर ही निकल पा रहा, इतना मैसिव स्पेस यहाँ पे इन्होंने दिया है. अमेजिंग. जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू, इवन आपके ये डबल हाइटेड में ऊपर आपके आपके लाइट के लिए ये कम्प्लीटली ओपन एंड कम्प्लीटली फिक्स्ड ये आपको ये दिए हैं, विंडोज दिए हैं. अगर आप देख सको तो यहाँ से बहुत अच्छा लाइट आएगा. और यहाँ पे जो भी आप नीचे देख रहे हो, दीज आर दी स्लाइडिंग विंडोज. यहाँ से और ये स्लाइडिंग डोर से, ये फ्रेंच डोर से आपको ब्यूटीफुल क्रॉस वेंटिलेशन और लाइट यहाँ पे आने वाला है. मुझे लगता है यहाँ पे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग में भी आपको यहाँ पे कोई लाइट स्विच ऑन करने की जरूरत पड़ेगी. अभी ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं एंड लुक एट द लाइट इनसाइड दिस मैसिव लिविंग एरिया, अमेजिंग. अभी सबसे पहले हम किचन चेकआउट करते हैं, उसके बाद मैं आपको नीचे के ग्राउंड फ्लोर के दोनों बेडरूम दिखाऊंगा. प्लीज कम. वाओ, दिस इज द डाइनिंग स्पेस. इसको आप एज अ डाइनिंग स्पेस यूज कर सकते हो, 8 सीटर से 10 सीटर, इवन बिगर डाइनिंग स्पेस आप यहाँ पे लगा सकते हो. उसी के साथ यहाँ पे आप अपना वॉश बेसिन का स्पेस सेपरेट बना सकते हो. सो दिस इज योर पूजा स्पेस. अभी ये सबसे खास चीज है, ये मैं आपको एंड में दिखाने वाला हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट दिस किचन. वाओ, ये यू शेप में आपको कंप्लीट ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है. सो दिस इज द एग्जैक्ट प्लेटफॉर्म आपको मिलने वाला है, काफी प्रीमियम क्वालिटी का. यहाँ पे ये ग्रेनाइट मिलेगा. दिस विल बी स्विस कंपनी स्टेनलेस स्टील सिंक एंड दीज आर द टैप दैट यू विल बी गेटिंग, जैगुआर एंड इक्विवेलेंट ब्रांड्स के वो मिलने वाले हैं. एंड दिस इज योर रेफ्रिजरेटर स्पेस, डबल डोर रेफ्रिजरेटर आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो, इतना बड़ा स्पेस यहाँ पे दिया है. एंड विद दैट, जस्ट नेक्स्ट टू इट, दिस इज योर एडिशनल प्लेटफॉर्म. यहाँ पे आपको ये स्टेनलेस स्टील का सिंक मिल रहा है. सो जो भी यूज्ड यूटेंसिल्स है यहाँ पे आप रख के वॉश कर सकते हो. उसके बाजू में कंफर्टेबली आप वॉशिंग मशीन यहाँ पे सेटअप कर सकते हो. और उसी के साथ ये स्पेस में, लेट मी शो यू. सो दिस इज द यूटिलिटी एरिया. ये एडिशनल स्पेस है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे आपका डिशवॉशर भी सेट हो जाएगा. इतना स्पेस आपको किचन में मिल रहा है. सभी डायमेंशन आपके स्क्रीन पर है. एंड फॉर योर हाउस हेल्प, जो भी आपके घर पे काम कर रहे हैं, दे कैन कम फ्रॉम हियर ऑल्सो. तो उनके लिए भी सेपरेट स्पेस दिया गया है. सो ये था आपका यूटिलिटी स्पेस. अभी हम चेकआउट करेंगे यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह. सो जो भी गार्डनिंग का शौक रखते हैं, साथ ही में जो भी लोग खुद का गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनको ये चीज बहुत पसंद आने वाली है. एंड दोज हु लाइक टू बी इन द ओपन एयर, उनको ये स्पेस बहुत पसंद आएंगी. प्लीज लेट मी शो यू. वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल. यहाँ पे आप आपके पूरे चेयर का सेटअप कर सकते हो. 3 से 4 चेयर सेटअप हो जाएगी. बीच में सेंटर टेबल आप रख सकते हो.
और जैसे कि आपको 4 BHK का विला का आपने वीडियो देखा होगा जिसमें आपके बैकयार्ड में प्लंज पूल है, वरांडा और प्लंज पूल दिया गया है, यहाँ पे भी आपको वो ऑप्शन दिया गया है। अगर आप चाहो तो एक तो प्लंज पूल आप बना लीजिए या फिर यहाँ पे सिंपली ऐसा गार्डनिंग आप कर सकते हो जैसे यहाँ पे करके दिया गया है। सो ये ऑप्शनल है, अगर आपको प्लंज पूल चाहिए तो वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। अमेजिंग अमेजिंग, यू नो वॉट, दिस इज सो मच ग्रीनर, सो ब्यूटिफुल, यू विल फील लाइक यू आर हीलिंग, यू आर हीलिंग फ्रॉम एवरीथिंग। ये स्पेस आपको कम्प्लीटली हील कर देगा। यू नो रोजमर्रा के लाइफ में जहाँ पे आप मेट्रो में रहते हो, रेगुलर ट्रैफिक आप सुनते हो, यू नो वर्क प्रेशर एवरीथिंग, आप यहाँ से कम्प्लीटली मुक्त हो जाओगे, यहाँ पे 2 दिन बिता लोगे तो। अमेजिंग स्पेस, और यहाँ पे मैंने जैसे कहा ये दिस इज अ नेशनल रिवर स्ट्रीम जो यहाँ पे आ रही है, वाह अमेजिंग व्यू, ब्यूटिफुल। सो ये रहेगा आपका, और जो भी गार्डनिंग के शौकीन हैं उनके लिए मैं बता दूँ, यहाँ पे आप गार्डनिंग भी कर सकते हो, इतना बड़ा स्पेस दिया है। ऑन दिस साइड ऑल्सो प्लीज हैव अ लुक, ये भी एरिया को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर सकते हो। वाओ, इट्स रेनिंग हेविली ओवर हियर बट स्टिल आप लोगों के लिए मैं ये कंटेंट बना रहा हूँ। वाओ अमेजिंग, यहाँ पे अगर आप जो भी गार्डनिंग के शौकीन है इस जगह को तो आप स्वर्ग बना दोगे सच में, इतनी ब्यूटीफुल स्पेस है, इतनी सारी जगह यहाँ पे दी है, ये भी पूरे स्पेस को आप गार्डनिंग कर सकते हो। सो मैं 5 BHK विला का बहुत दिन से वॉक थ्रू करना चाहता था लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पा रही थी बिकॉज 5 BHK विला का कोई सैंपल ही नहीं था। सो एक्चुअल विला का मुझे आज अपॉर्चुनिटी मिला इसलिए मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जो भी लोग 5 BHK विला का वॉक थ्रू देखना चाहते थे वारीवन का, आज मैंने आपके सामने लाया एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड मेरी एनर्जी वापस आ गई है। यू नो सुबह से मैं शूट कर रहा हूँ बट स्टिल आई एम मोर एनर्जाइज बिकॉज ऑफ दिस। उस साइड का भी मैं गार्डन का स्पेस दिखा देता हूँ, प्लीज कम। सो ये है आपका और अच्छा स्पेस जहाँ पे और गार्डनिंग आप कर सकते हो। तो ये था आपका बैकयार्ड जो मैंने आपको दिखाया, अभी हम जाते हैं आगे और यहाँ का फर्स्ट बेडरूम चेकआउट करते हैं, प्लीज कम। वाओ, यहाँ पे वॉक इन वार्डरोब का स्पेस दिया है जैसे कि आप देख सकते हो, प्लीज हैव अ लुक। एंड जस्ट अपोजिट टू दिस स्पेस यहाँ पे आपका ये वॉशरूम का स्पेस है, प्लीज कम। सो सॉरी यहाँ पे लाइट्स नहीं है बिकॉज ये एक्चुअल विला होने के कारण अब तक यहाँ पे लाइट्स का अरेंजमेंट होने का है। मैं आपको अभी के लिए 4 BHK का वॉशरूम दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया है कि कैसा वॉशरूम रहने वाला है। यहाँ पे भी जो CPN सैनिटरी फिटिंग मिलेगी दैट इज टोटो एंड ग्रोहे इक्विवेलेंट ब्रांड, और यहाँ पे भी आपको ग्लास इंक्लोजर मिलने वाला है जो कि आपके शॉवर एरिया और आपके ड्राई एरिया को सेपरेट करेगा। एंड दिस विल बी योर बेडरूम ऑन दी ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट बेडरूम है। बाप रे, बहुत अच्छा स्पेस है, लुक एट द विड्थ ऑफ दिस स्लाइडिंग डोर्स, ये पूरा पार्किंग का स्पेस आपको दिख रहा है, इमेजिन द लाइट जो आने वाला है आपको। सो लेट मी ओपन दिस, वाओ क्या वेंटिलेशन है, क्या लाइट है, व्हाट अ व्यू। सो ये पार्किंग का व्यू रहेगा, जैसा कि मैंने आपको एंट्रेंस भी बोला, यहाँ पे आप कंफर्टेबली 3 SUV लगा सकते हो, इतना पार्किंग का स्पेस आपको मिल रहा है। सो आपको ये जो स्लाइडिंग डोर्स मिल रहे हैं, दीज आर ऑफ फिनेस्टा ब्रांड, वन ऑफ द प्रीमियम क्वालिटी ऑफ ब्रांड इन UPVC विंडो, दीज आर UPVC, दीज आर ऑलमोस्ट 99% नॉइस कैंसिलेशन के साथ है। एंड हियर इज द बेस्ट पार्ट जो 4 BHK में भी था, इसमें भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिल रहा है। सो यहाँ से भी आपको लाइट एंड वेंटिलेशन आएगा और यहाँ से भी आपको लाइट एंड वेंटिलेशन आने वाला है। एंड थ्रू आउट योर विला आपको ये प्रीमियम क्वालिटी की ग्रे जो कलर में आपको दिख रही है, दिस विल बी ग्लेज विट्रीफाइड फ्लोरिंग जो आपको थ्रू आउट द विला मिलेगी एक्सेप्ट मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में और एक खास चीज मिलने वाली है जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ, प्लीज कम। अभी ये ग्राउंड फ्लोर विला का चल रहा है और एक ही बेडरूम अब तक कंप्लीट हुई है, लेट मी शो यू सेकेंड बेडरूम, प्लीज कम। वाओ ब्यूटिफुल, अगर आप ये बैकयार्ड में पूल का ऑप्शन लेते हो, प्लंज पूल का, तो आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल व्यू आएगा पूल का, या फिर सिंपली आपको ये ब्यूटीफुल गार्डन और साथ ही में आजू बाजू की ब्यूटीफुल ग्रीनरी दिखने वाली है। बहुत ही खूबसूरत विला ये, आई एम ऑलमोस्ट एक्साइटेड टू मेक इट, थैंक यू सो मच वारीवन टीम की मुझे ये चांस मिला कि मैं ये विला बना पाऊँ, ब्यूटीफुल। और लेट मी टेल यू दिस इज द एक्चुअल विला, तो आप फिनिशिंग देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग है, कितने अच्छे क्वालिटी के मटेरियल्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, ईच फिक्स्चर एंड फिटिंग इज हैविंग रियली गुड ग्रेड ऑफ क्वालिटी। और उसी के साथ आपको मिलती है ये अटैच वॉशरूम जिसमें रहेगी ये एंटी स्किड फ्लोरिंग, साथ ही में आपको एक काउंटर टॉप और उसके ऊपर वॉश बेसिन मिलेगा। यहाँ पे जो CPN सैनिटरी फिटिंग मिलने वाली है दैट विल बी टोटो एंड ग्रोहे इक्विवेलेंट ब्रांड्स, और इसी प्रीमियम क्वालिटी की डिजाइनर डार्डो टाइल्स आपको मिलेगी।
और उसी के साथ आपको ये ग्लास पार्टीशन मिलेगा जो आपके शॉवर एरिया और ड्राई एरिया को कम्प्लीटली सेपरेट कर देगा। इस वॉशरूम की जगह मैं आपको अभी 4 BHK का वॉशरूम दिखा देता हूँ, लेकिन टाइल्स अलग रहेंगी, रीजन बीइंग यहाँ पे अभी थोड़ा सा लाइट का इंटेंसिटी कम है। तो ये था आपका अटैच वॉशरूम विद द सेकेंड बेडरूम ऑन द ग्राउंड फ्लोर। अभी हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर की ओर, प्लीज कम। तो सेम कॉन्सेप्ट में आपको ये स्टेयरकेस मिलने वाली है जैसे यहाँ पे दिखाई गई है। ये डिजाइनर स्टेयरकेस आपको मिलेगी एंड इट इज गिविंग अ फील ऑफ लग्जरी। रियली गाइस, ट्रस्ट मी, द फ्रेंड्स ऑफ यू विल बी वेरी जेलस ऑफ यू बिकॉज आप ये विला में रहने वाले हो एंड फ्रॉम दिस स्पेस यू विल फील दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग इन योर लाइफ, अमेजिंग। तो यहाँ पे ये रेलिंग मिलेगी और साथ ही में ये टफ एंड ग्लास आपको मिलने वाला है एंड दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर। वाह, फर्स्ट फ्लोर इज सो गॉड डैम मैसिव, लेट मी टेल यू। ये आपका स्पेस है, यहाँ पे अगर आप चाहो तो लिफ्ट का अरेंजमेंट कर सकते हो। अगर आपको लिफ्ट नहीं चाहिए तो इसे स्टोर रूम बना लीजिए, बहुत अच्छा स्पेस है ये। एंड दिस इज योर मास्टर बेडरूम, आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, प्लीज स्टे ट्यून्ड। साथ ही में अगर आपको ये विला पसंद आ रहा है और मेरा कॉन्टेंट आप रेगुलरली कंज्यूम करते हो तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं यहाँ का फर्स्ट बेडरूम। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ का यूनिट प्लान आपको बता देता हूँ फर्स्ट फ्लोर का। सो दिस इज द फर्स्ट बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड बेडरूम। और उसी के साथ आपके टेरेस पर जाने के लिए यहाँ पे स्टेयरकेस का अरेंजमेंट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे ये वाली बेडरूम, प्लीज कम। यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन, इसमें भी आपको क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट विंडो एंड दिस इज द फुल लेंथ स्लाइडिंग डोर जो पे मिल रहा है। और उसी के साथ दिस इज द सेपरेट वॉक इन वार्डरोब एंड जस्ट अपोजिट टू दिस वॉक इन वार्डरोब दिस विल बी योर अटैच वॉशरूम, प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पे भी आपको एंटी स्कीड की फ्लोरिंग मिलेगी और वही ये प्रीमियम क्वालिटी की कंप्लीटली डिजाइनर डाडो टाइल्स मिलने वाली है। एंड दिस इज योर सेकेंड बेडरूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर एंड फोर्थ बेडरूम इन दिस विला, अमेजिंग। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे इन्होंने ये कंप्लीट स्पेस दिया है, आई मीन जस्ट लुक एट इट। और यहाँ से भी आपको ये ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, जस्ट लुक एट द व्यू मैप, प्लीज हैव अ लुक। यहाँ से आपको ये नेचुरल रिवर स्ट्रीम का भी व्यू आएगा, साथ में ये ब्यूटीफुल सह्याद्री हिल व्यू आएगा, उसी के साथ आपको यहाँ से वाटरफॉल्स दिखेंगे और साथ में ये अमेजिंग पॉकेट गार्डन्स का भी व्यू आएगा, ब्यूटीफुल। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी इस बेडरूम की और एक खास बात बताता हूँ, वॉक इन वार्डरोब है, क्रॉस वेंटिलेशन है, ब्यूटीफुल व्यू है और उसी के साथ ये अटैच बालकनी भी है, प्लीज हैव अ लुक, अमेजिंग। आई मीन जस्ट लुक एट द व्यू यार, और ऐसा लग रहा है आज यहाँ पे रुक ही जाऊं मैं, इतना ब्यूटीफुल है, वाओ अमेजिंग, वाओ। आई मीन जस्ट लुक एट द वॉटरफॉल्स यार, देयर आर मल्टीपल वॉटरफॉल्स ओवर सह्याद्री हिल्स अगर आप देख सको तो। और ये पूरा आपका नेचुरल रिवर स्ट्रीम है जो यहाँ से जा रहा है। जब भी आप यहाँ पे एक्चुअल विजिट करोगे तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा कि कितना खूबसूरत प्लेस है ये। वैसे ये वीडियो में सिर्फ 10% जस्टिफाई हो रही है प्रॉपर्टी, बट ऑन योर एक्चुअल विजिट यू विल गोना लव दिस प्लेस। यहाँ पर भी आपको ये एंटी स्किड फ्लोरिंग मिलेगी, साथ ही में टफ एंड ग्लास मिलेगा और ये रेलिंग मिलने वाली है। काफी ड्यूरेबल एंड गुड क्वालिटी के यहाँ पे सभी मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दिस इज द क्वालिटी ऑफ द डोर। सो काफी अच्छे फिनिशेस है और मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस इज एन एक्चुअल विला जो कि आपको डिलीवर होने वाला है, तो आपको आइडिया आ गया होगी कैसा आपको फिनिशिंग यहाँ पे मिलने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वही इसका अटैच वॉशरूम रहेगा यहाँ पर, प्लीज हैव अ लुक। यहाँ पर भी जो आपको सीपी एंड सैनिटरी और फिटिंग मिलेंगे दैट विल बी टोटो एंड ग्रोहे इक्विवेलेंट ब्रांड। अभी दिखाता हूँ मैं आपको आपकी बेडरूम, द मास्टर बेडरूम जहाँ पे रहेंगे किंग्स एंड क्वींस, प्लीज कम। तो चलिए चेकआउट करते हैं द मास्टर बेडरूम, प्लीज कम। Wow, this is what I call the size of the bedroom. Massive, amazing. यहाँ पे आपको specifically master bedroom में आपको मिलने वाली है ये wooden flooring, ये premium quality की wooden flooring आपको मिलेगी and this is your separate walk-in wardrobe. Just look at the size of the walk-in wardrobe और उसी के साथ this is your washroom. Please have a look. One of the biggest washroom in the whole 4 BHK villa. Just look at the size. This is 4.9 by 10.7 का आपको ये master washroom मिल रहा है। आपको इतना बड़ा countertop मिलेगा, ये basin मिलेगा, उसी के बाजू में आपका commode space रहेगा and उसी के बाजू में आपका shower space रहेगा। इसमें भी आपको glass enclosure मिल रहे हैं जो कि आपके shower space को और आपके dry space को completely separate कर देंगे।
और यहाँ पे भी ये फिनिस्टा की विंडो मिलने वाली है, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट प्रीमियम क्वालिटी विथ ऑलमोस्ट 99% नॉइस कैंसिलेशन, एंड दिस इज UPVC विंडोज, एंड दिस विल बी योर स्पेशियस बालकनी विथ टफ एंड ग्लास एंड दिस रेलिंग। यहाँ पे भी आप चेयर का सेटअप कर सकते हो, यू कैन हैव हैंगिंग झूला हो या ब्यूटीफुल स्पेस। यहाँ से आपको देखेंगे सिर्फ ग्रीनरी एंड द व्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल सह्याद्री व्यू, और साथ ही में ये नेचुरल रिवर स्ट्रीम भी आपको यहाँ से देखने वाली है जो कि यहाँ पे बन रही है, अमेजिंग। सो विला की लोकेशन अलग अलग जगह पे है, माइंड भी अगर आपको रिवर स्ट्रीम नहीं आगे चाहिए तो आप कोई और भी लोकेशन चूज कर सकते हो। सो दिस इज योर 5 BHK की विला, यू कैन चेक द डायमेंशन ऑन योर स्क्रीन। सो ये बालकनी में भी ये ऑलमोस्ट डबल हाइटेड है, इसके लिए आपको पूरा टेरेस के यहाँ पे फील आएगा उसी के साथ। दिस आर दी ऑल द क्वालिटी मटेरियल जो आपको इसके साथ मिलने वाले। सो दिस इज योर मास्टर बेडरूम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चेकआउट करते हैं इस विला की सबसे खास चीज जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, वो है यहाँ का ये मैसिव ग्रैंडियोस स्पेशियस टेरेस। चलो दिखाता हूँ, यू विल गोना लव इट, प्लीज कम। तो ये रहेगा आपका टेरेस का एरिया, दिस इज द एडिशनल स्पेस जो आपको मिलती है ऊपर, ये चीज को भी आप अच्छे से यूज कर सकते हो यहाँ पे। दिस इज द एडिशनल स्पेस, अगर चाहो तो आप इसे एज अ स्टोर एरिया यूज कर सकते हो। बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पे दिया है, वाओ, आई मीन जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस टेरेस, अमेजिंग, दिस इज मैसिव मैन। लाउंज बना सकते हो इफ यू वॉन्ट टू मेक अ जकूजी सेपरेटली ओवर हियर, वो भी बना सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो, यू कैन डू लॉट मोर थिंग्स ओवर हियर, सीटिंग एरिया बना सकते हो बहुत ही अच्छा, हैंगिंग झूला रख सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। इतना बड़ा ये टेरेस आपको मिल रहा है, गार्डनिंग का शौक है, गार्डनिंग कर सकते हो, इतना स्पेस है, एंड ऑल्सो ये व्यूज एंजॉय कर सकते हो। प्लीज लेट मी शो यू दी हेवन, दिस ब्यूटिफुल सह्याद्री हिल्स, एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम नॉट जोकिंग, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड इन अ विला एंड इफ यू वॉन्ट विला इन अ पीसफुल प्लेस, इफ यू वॉन्ट ग्रीनरी, दिस प्रोजेक्ट इज मस्ट विजिट एंड दिस विला इज मस्ट सी। सो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी विजिट इसके लिए स्केड्यूल कर दूंगा। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, अगर आपको इस प्रोजेक्ट की कोई भी डिटेल्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे टेक्स्ट भी ड्रॉप कर सकते हैं। और उसी के साथ जस्ट लुक एट दिस मैसिव हिल्स, लुक एट दिस ब्यूटीफुल वेदर, साथ ही में जस्ट सी द क्लाउड्स, आप क्लियरली यहाँ से क्लाउड्स देख पाओगे जो कि इतने पास में हो हिल्स के। उसी के साथ आप नेचुरल रिवर स्ट्रीम वाटरफॉल आप इसमें से देख पाओगे, मल्टीपल वाटरफॉल्स ये कंप्लीट सह्याद्री हिल्स में से निकल रहे हैं, एंड दिस व्यू is lifetime free for you. So this is the opportunity and this is the last opportunity. Let me tell you, this is their last launch in this phase. So don't miss the opportunity. You can grab this opportunity by simply calling me on the given number or drop me a WhatsApp text. I'll share the details with you and also I'll schedule your visit for the project. So chaliye aage badhte hain, please come. Main ummeed karta hu aapko aaj ka video pasand aaya hoga. Aise kai real estate related videos dekhne ke liye आप मेरे चैनल निखिल मावड़े को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अगली प्रॉपर्टी पर, तब तक के लिए दिस इज निखिल मावड़े साइनिंग ऑफ।